अब हम लोग जो है एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में बढ़ते हैं वो है ब्लैक होल्स ठीक है तो ये भले ही अप्रैल 2019 की न्यूज है लेकिन ब्लैक होल्स के बारे में क्वेश्चन आपके आते रहेंगे और थोड़े डिटेल में आते रहेंगे तो ये ब्लैक होल्स वगैरह क्या होते हैं कैसे क्या इनके डिटेल्स वगैरह होते हैं वो हम लोग सब देखेंगे बट आई थिंक उससे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा सन के बारे में जो है सीख लेना चाहिए सन जो है वो कैसे फॉर्म होता है और सन जो है वो कैसे तो ब्लैक होल बेसिकली कैसे बनता है वो अपने को थोड़ा सा पहले सीखना है तो चलिए सबसे पहले वापस से सन के एक बार में बेसिक्स में हम लोग चले जाते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैक होल कैसे बनता है और फिर इस ब्लैक होल को ऑब्जर्व कैसे करना है या फिर इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम लोग डिटेल में देखेंगे तो <coughs> सन जो है उसका हम लोगों ने पहले ही बेसिक जो वो देखे हुए हैं कि आपका सबसे बाहर का जो स्फीयर है फोटोस्फियर जहां पर आप लोगों को ये सब जो सन स्पॉट है या फिर सोलर फ्लेयर जो है वो दिखेंगे उसके बाद में आपका क्रोमोस्फियर है जस्ट उसके बाजू में और उसके बाद में कोरोना है जहां से कोरोनल मास इजेक्शन वगैरह सब आपका बाहर आने वाला है ठीक है तो आई होप इतना तो सबको याद ही होगा फिर उधर से ही अगर ये आपका ऐसा थोड़ा सा आर्च शेप में अगर ये आपके फ्लेयर्स वगैरह अगर बन जाए तो उसको हम लोग प्रोमिनेंस बोलते हैं तो ये आपका आर्च लुप जो वो बन जाता है और यूजली ये आपके क्रोमोस्फियर में आपको प्रोमिनेंस जो देखने को मिलेगा तो ये थोड़े से बेसिक्स आपको पता होने चाहिए लेकिन अभी याद रखो कि संसार में ओके जो चीज आई हुई है उसको तो मरना ही पड़ेगा तो इस संसार में जो भी आपकी चीज आई है उसको मरना पड़ेगा तो सन या फिर कोई भी एक और चीज चाहे ब्लैक होल ही ले लो इवन उनकी भी डेथ जो है वो कभी ना कभी तो होने ही वाली है तो जानते हैं कि कैसे जो है वो स्टार फॉर्म होता है और कैसे जो है वो मेच्योर होता है और कैसे जो है उसकी डेथ होती है बाद में तो जैसे हम लोग बड़े होते हैं ओके जैसे हम लोग जो है वो बड़े होते हैं वैसे ही इवन सन का भी जो है वो फेज आपका चेंज होते रहता है कि जैसे हम लोग फीटस होते हैं तो उस समय में सन भी इवन प्रोटोस्टार लेवल पर हो रहेगा फिर हम लोग जो है जैसे इन्फंट वगैरह होते हैं तो हम लोग भी मतलब सन भी जो है उसमें फ्यूजन और इग्निशन की रिएक्शन वगैरह जो वो शुरू होती है और थोड़ा सा ब्लू कलर का होगा एडल्ट में हम लोग जो एकदम मेच्योर हो जाते हैं वैसे ही सन भी जो है वो येलो कलर का बनेगा और फिर येलो कलर का होने के बाद में क्या होता है कि क्योंकि उसने मेजर अपनी चीजें जो बर्न कर दी होती है तो थोड़ी बहुत चीजें तो ये आपका धीरे धीरे जो वो एक रेड सुपर जायंट में कन्वर्ट होता है तो जैसे हम लोग भी जब मिडल तो हो जाते हैं तो वैसे ये भी मोटा हो जाएगा और वापस जैसे पतले हो जाते हैं हम लोग जब ओल्ड एज में आते हैं तो वैसे ही ये भी एकदम छोटा सा आपका बन जाता है क्योंकि इसके बाहर में ऐसा इसको ये सुपरनोवा होता है देखो कि इसके बाहर में आपकी जो गैसेस होते हैं तो ये आपके बस्ट हो जाते हैं और बस्ट होने के बाद में ये एकदम छोटा सा आपका रह जाएगा तो सबको क्लियर हुआ कि शुरुआत जर्नी होगी प्रोटोस्टार से प्रोटोस्टार से आपका फ्यूजन इग्निशन होगा उसके बाद में आपका मेन सीक्वेंस आएगा मेन सीक्वेंस के बाद में रेड सुपर जॉइंट बनेगा और रेड सुपर जॉइंट के बाद में ये व्हाइट डॉफ या फिर ब्लैक होल बनेगा सबको ये सीक्वेंस क्लियर और आप, आप बोलोगे कि ये होता क्यों रहता है तो उसका रीजन सिंपल है ये होता क्या है कि आपका जब सन जो है वो शुरू होता है ओके तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसके जो कोर वाला जो एरिया है यहाँ पे पहले तो सारा का सारा हाइड्रोजन जो बर्न हो जाएगा ये हाइड्रोजन जब तुमने तो बर्न कर दिया हीलियम बर्न हो जाएगा हीलियम बर्न जब हो जाएगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बाद में आपका कार्बन नियॉन ऑक्सीजन उसके बाद कार्बन कार्बन ऑक्सीजन नियॉन मैग्नीशियम सिलिकॉन सल्फर ये सब धीरे धीरे बर्न होने लगते हैं और लास्ट में जब तुम्हारा कोर में पूरा पूरा निकेल एंड आयन बचेगा और ये निकेल एन आयन धीरे 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 हर तरफ में एक्सपांड होने लगता है तो क्या होता है कि सीधी सी बात है अब निकेल एन आयन वगैरह अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें आपका थोड़ा सा कॉम्प्रेशन भी स्टार्ट होने लगता है धीरे धीरे ओके तो ये एकदम बहुत ज्यादा जो है वो इसमें हाई लेवल का कॉम्प्रेशन होने लगता है इसलिए बाद में एकदम में एकदम एकदम एंड जो है है वो एकदम छोटा सा ये बन जाता है। तो सबको क्लियर कि कैसे जो है वो एक सन की जर्नी होती है तो सन की जर्नी जो है कि आपका सबसे पहले जो है वो सबसे पहले जो है ऐसे गैसेस वगैरह होंगे और इन गैसेस के कंडेंसेशन से क्या होने वाला है आपका कुछ जो है रोटेट होने लगेगी और रोटेट होते 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 बन जाता है, और दिस हाँ स्टार भी ऐसी ही होती है, आपकी दो टाइप से जो इसकी मतलब डेथ होती है तो डिपेंड करता है कि आपके स्टार की साइज क्या है ओके अगर उसकी साइज जो है वो एक मतलब अपना जैसे अपना स्मॉल स्टार है अर्थ का जो सन है तो वो जो है वो काफी स्मॉल स्टार है तो स्मॉल स्टार कैसे जाएगा स्मॉल स्टार आपका पहले तो वो सब कि आपका पहले तो प्रोटो स्टार मेन सीक्वेंस उसके बाद में आपका रेड जायट वगैरह बनेगा रेड जायट होने के बाद में क्या होगा जैसे कि मैंने आपको बताया कि तब जो है वो एक मतलब प्लेनेटरी नेबलेंगे उसको ब्लास्ट हो जाएगा तो ये ब्लास्ट में क्या हो जाएगा आजू बाजू का जो भी मटेरियल वो सारा निकल जाएगा और उसके बाद में तुम जो हो एक वाइट डॉफ में जो वो कन्वर्ट हो जाओगे तो अपना सन जो है वो बेसिकली व्हाइट डॉफ में ही बाद में कन्वर्ट होने वाला है और दूसरा एक मैकेनिज्म क्या है दूसरा मैकेनिज्म है कि भाई लार्ज स्टार को बहुत लार्ज स्टार को फॉर एग्जाम्पल कितना लार्ज स्टार तो चंद्रशेखर ओके okay, उन्होंने एक लिमिट दी हुई अपने को तो चंद्रशेखर जो कि भारतीय ओके ओरिजिन के साइंटिस्ट हुआ करते थे तो उनका कहना था कि 1.4 टाइम्स अगर सोलर मास अगर है जैसे कि सन का वेट अगर 100 के है तो उसको 1.4 से आप मल्टीप्लाई कर लो तो 140 फोर्टी का अगर 140 फोर्टी से अगर किसी से ज्यादा अगर किसी का वेट होगा ओके okay, किसी स्टार का तो फिर वो व्हाइट में नहीं बनेगा फिर वो दूसरी चीजें बनेगा या तो वो ब्लैक होल बनेगा या फिर वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा ओके okay? तो ये चंद्रशेखर लिमिट है कि अगर हमारे स्टार से 1.4 टाइम्स अगर ज्यादा है तो वो लार्ज स्टार कहला जाएगा लार्ज स्टार में भी दो टाइप के स्टार हैं अगर एक तो वेरी वेरी लार्ज स्टार और दूसरा जो है वो एक वेरी लार्ज स्टार ऐसा हम लोग बोल सकते हैं तो अगर वेरी 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 लार्ज स्टार है तो उसके मरने के बाद में मतलब आपका अगेन लार्ज स्टार जो है वो रेड सुपरनोवा रेड सुपरनोवा के बाद में सॉरी रेड सुपर बनेगा बनेगा ये ये रेड बनता है सुपर और उसके बाद में इसका जो होगा तो यहाँ पे हमने नेबुला देखा प्लेनेटरी नेबुला देखा यहाँ पे सुपरनोवा मतलब बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा और ये एक्सप्लोजन होने के बाद में अगर मतलब अर्थ से लगभग टेन टू ट्वेंटी टाइम्स अगर वो बड़ा है सॉरी अपने स्टार से अगर टेन टू ट्वेंटी टाइम्स बड़ा है तो वो न्यूट्रॉन स्टार में बनेगा और अगर ऑलमोस्ट आपका टू एटी टाइम्स अगर वो बड़ा था अपने स्टार से वगैरह तो वो जो है वो ब्लैक होल में बनेगा सबको क्लियर कि व्हाइट डॉफ कैसे बनता है न्यूट्रॉन स्टार कैसे बनता है और ब्लैक होल कैसे बनता है कमॉन गाइज जितने अच्छे से समझ में आया है उतने वाई प्रेस करो चैट बॉक्स में तो ये जो है वो सन की जर्नी है ओके तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि हर एक चीज की जो है वो डेथ तो बाद में होने ही वाली है लेकिन इसमें क्या होता है ये जो ब्लैक होल वगैरह की हम बात करें या न्यूट्रॉन स्टार की हम लोग बात करें तो ये जब इस एज में इन लोग जब अपने लास्ट एज में जब इन लोग आते हैं तो इनका कॉम्प्रेशन जो है वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है कितना खतरनाक इसका कॉम्प्रेशन हो जाता है कि इनकी ग्रेविटी जो है वो ऑलमोस्ट इन्फाइनइट के तौर पे चलने लगती है जैसा कि अब हम लोग ब्लैक होल के बारे में अभी हम लोग अब डिटेल में समझेंगे ब्लैक होल की स्टोरी आपको समझ में आ गई अब हम लोग ब्लैक होल के बारे में भी देख लेते हैं कि ब्लैक होल कैसे बनेगा तो तो देखो अगेन ये आप लोग जो जी यहां पे देख रहे हो तो उसमें आपको दिख रहा है कि ब्लैक होल जो है या कोई भी चीज जो होगी ओके तो वो स्पेस टाइम फैब्रिक को बेंड करती है जैसा कि आप लोग ये फैब्रिक देख रहे हो ये आपका जो है वो अर्थ था ये अर्थ था और ये अर्थ ने बेसिकली अर्थ के आजू बाजू में मून घूम रहा है तो अर्थ ने कम बेंड किया हुआ है स्पेस टाइम के फैब्रिक को लेकिन सन ने ज्यादा बेंड किया हुआ है स्पेस टाइम फैब्रिक को ओके वैसे ही अगर मैं इसको समझो इस पेपर को अगर मैं फैब्रिक कंसिडर करूं तो अगर मैं इसमें अगर सन को रखूंगा तो सन क्या करेगा इसको थोड़ा सा बेंड करेगा बराबर है तो ये बेंडिंग के वजह से ओके ये बेंडिंग के वजह से इसके आजू बाजू में ये जो चीजें हैं वो रोटेट होती है तो बिकॉज एक आप लोगों ने वहां पे एक खड्डा ही आप लोगों ने कर दिया होता है तो उसके बाजू में इसलिए ये चीजें जो है वो घूमते रहती है

पॉइंट पर आपका सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसको हम लोग जो है वो बोलते हैं सबको क्लियर जिस पॉइंट पर आपका सारा -का सारा का मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा ओके ब्लैक होल का उस पॉइंट को हम बोलते हैं सिंगुलरिटी और जिस पॉइंट पर ओके okay, आप लोग अगर अंदर चले जाओ मतलब इस पॉइंट के अंदर का आप लोग कोई भी चीज जो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो तो ये है जिसके आगे के इवेंट आप लोग जो वो नहीं देख पाते हो ओके okay? और अगर समझो इस को अगर आप लोग क्रॉस कर लेते हो तो आपको स्पीड ऑफ लाइट से भी फास्ट जो है बाहर निकलना पड़ेगा लेकिन आज तक ऐसा कोई भी मतलब चीज हम लोगों ने नहीं देखा हुआ है जो कि आपके स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज जो है वो दौड़े ओके okay? लेकिन एक पार्टिकल है जिसको हम लोग बोलते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज जाता है कोई बता सकता है क्या कि अगर किसी ने

लेकिन ये इमेजिनरी पार्टिकल है अभी तक हम लोग डिस्कवर नहीं कर पाए हैं सबको क्लियर तो चैट बॉक्स में प्रेस करो ट्रैकिंग ऑन तो जो जिस रीजन में आप अगर घुस जाओ ओके जिस रीजन में अगर आप घुस जाओ और उसके बाद में तो ये तो पॉइंट आपका सिंगुलैरिटी है अब इसको हम लोग टॉप व्यू से देख रहे हैं पहले हम लोग साइड व्यू से देख रहे थे जहां के आगे से अगर आप निकल जाओ मतलब इस बाउंड्री को अगर आप क्रॉस कर जाओ तो जो आपकी तो आपको स्पीड ऑफ लाइट से बाहर निकलना पड़ेगा उस रीजन को हम लोग बोलते हैं इवेंट ऑरिजोन ठीक है horizon, तो इवेंट में इसके लाइन को अगर आप क्रॉस कर लेते हो तो यू आर डूम्ड वाई बिकॉज एस्केप वेलोसिटी दैट यू विल बी नीडिंग वुड बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट और आप लोग जो जस्ट बच सकते हो किसी ब्लैक होल के अंदर जाने से अगर आप लोग इवेंट ऑरिजोन के जस्ट बाहर से ही भाग गए तो इसलिए वो बोलेगा फ्यू मैं बच गया ठीक है 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 तो hole, okay? तो तो दिस इज अबाउट ब्लैक होल ओके अब अब हुआ क्या है? तो अब तक जो है, हम लोगों ने नो no डाउट हमारे पास में ब्लैक होल के वगैरह लोग जो है वो इमेजेस वगैरह बोलते थे कि देखो ऐसा इमेज वगैरह दिखता होगा ब्लैक होल का कि एकदम ये वाले अंदर में रीजन में सिंगुलरिटी का कहीं तो पॉइंट होगा ये वाला जो आपका रीजन है ये आपका इवेंट ऑरिजॉन होगा और उसके आजू बाजू में जो वो एक्रीशन डिस्क होगा डिस्क क्या होल तो सी तो की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो हर एक चीज को अट्रैक्ट करेगी बराबर है हर एक चीज को अगर अट्रैक्ट करेगी तो इसके आजू बाजू में पूरे के पूरे मतलब प्लानिट या फिर स्टार वगैरह जमा होंगे या नहीं होंगे बताओ इसके आजू बाजू में ये सब जमा होंगे या नहीं होंगे तो इस जमा हुए पदार्थों को या इस जमा हुए जो चीजें हैं कॉम्पोनेंट जो है उनको हम लोग बोलते हैं एक्रीशन डिस्क सबको क्लियर व्हाट इज एक्रीशन डिस्क एक्रीशन डिस्क में बेसिकली ये सारी चीजें जो आके पड़ी रहेंगी कहीं प्लैनेट पड़ा है कहीं स्टार पड़ा है कहीं कुछ पड़ा है कहीं पड़ा है ये सब बेचारे जमा होके यहाँ पे पड़े हुए होंगे ओके okay? तो यहाँ पे इसलिए आपको ये थोड़ा सा ब्राइट जो है वो दिखेगा क्यों क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह होते रहेगा और इधर से लाइट जब आपकी एमिट होगी तो ये यह देखो यहाँ पे ये यह सब यहाँ कहीं अर्थ पड़ा होगा कहीं सन पड़ा है कहीं और कुछ पड़ा है ये सब चीजें एक दूसरे से कंटिन्यूस फ्रिक्शन में होगी तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क ठीक है तो ये है आपके ब्लैक होल के बेसिक बेसिक बेसिक्स तो अब चलिए ब्लैक होल को हुई वापस से तो अभी न्यूज क्या है तो अभी तक जो अपने पास में इमेज जो थी जो मैंने अभी आपको जस्ट इमेज जो दिखाई थी वो इमेज जो है वो बेसिकली एक डिजाइनर के परस्पेक्टिव से बनाया हुआ है या फिर हम लोगों ने एक आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन से उसको बनाया कि भाई ऐसा दिखता होगा कभी उसकी रियल इमेज हम लोगों ने नहीं ली थी लेकिन इसके पहले जो है वो 2019 में पहली बार हम लोगों ने एक इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप नाम के टेलीस्कोप से इस ब्लैक होल की असली इमेज जो है वो हम लोगों ने इंटरप्रिट की है सबको क्लियर वो सब हाइपोथेटिकल हुआ करते थे आपके कॉन्सेप्ट लेकिन अब जो है हमने फाइनली एक इवेंट हॉरिजोन नाम के ओके okay, टेलीस्कोप से फाइनली ये वाली हम लोगों ने इसकी ब्लैक होल की इमेज ली हुई है कि जिसके आजू बाजू में एक्चुअल में आप लोग ब्लैक होल के आजू बाजू में क्या देख रहे हो एक्रीशन डिस्क ही देख रहे हो ये देखो ये सब एक्रीशन डिस्क है और यहाँ से लाइट वाइट सब जो है आपकी इमेट होते जा रही है ये एक मेजरली आपको दिख रही है बाकी ये वाला रीजन में आपको पूरा अंधेरा ही दिख रहा है तो इसलिए इसको हम ब्लैक होल बोलते हैं ओके okay, तो गैलेक्सी का सुपर ब्लैक होल जो है है उसका स्नैपशॉट अभी हम लोगों ने फाइनली लिया है। तो ब्लैक होल क्या है इट इज द ब्लैक होल इज अ रीजन ऑफ द स्पेस विद इन विच द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग दैट नथिंग कम्स आउट नथिंग कम्स आउट इवन नॉट इवन द लाइट एंड इसीलिए तो हम लोग उसको बोलते हैं ना इवेंट ऑरिजॉन कि भाई इट इज द पॉइंट एट विच एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द ब्लैक होल इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट

सिंगुलरिटी एज वेल एज इवेंट इवेंटॉन एज वेल एज ब्लैक होल समझ में आ गया है और ब्लैक होल क्यों बनेगा लार्ज स्टार जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद में उसका बहुत ज्यादा जो है है वो वो हो जाता और की वजह से स्पेस टाइम फैब्रिक को इतना बेंड करता है कि वो ऑलमोस्ट इन्फाइन लेवल पर जो है वो चले जाता है और इन्फाइन लेवल पर जाने के बाद में बेसिकली उसका पूरा का पूरा अट्रैक्शन uh, जो है काफी तेज बढ़ जाता है ये आपका एक ब्लैक होल का रिप्रेजेंटेशन है अब बात आती है कि क्या ब्लैक होल की डेथ होगी या नहीं होगी yes no? अगर ब्लैक होल ही सबके डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो क्या ब्लैक होल की डेथ होगी कभी सोचा है कभी इस बारे में आंसर इज यस जैसा कि मैंने आपको बताया इवन आप लोगों ने बचपन में वो रामायण महाभारत या और कुछ जो अलग अलग जो धारावाहिक आते थे सीरियल्स okay, जो आते थे वो आपने देखे होंगे उसमें आपने देखा होगा जब भी कोई ब्रह्मा जी से वरदान मांगता था कि मुझे अमरता का वरदान चाहिए ब्रह्मा जी पहले क्या बोलते थे अमर तो तो मैं खुद भी नहीं हूं तो तेरे को कैसे अमरता का वरदान दे ठीक है तो कोई भी जो जन्मा है वो मरने वाला है ऐसा ब्रह्मा जी हमेशा बोलते थे तो ऐसे ही इवन ब्लैक होल्स जो है उसकी डेथ होती है और उसकी डेथ जो है वो कैसे होती है ये डिस्कवर किया था स्टीफन हॉकिंग्स ने इसलिए उनके जो रेडिएशन उन्होंने जो बताए थे ओके तो वो है आपके हॉकिंग रेडिएशन सबको क्लियर ऋतिक भी डेथ होगी चिरंजीव है वो चिरंजीव का मतलब क्या होता है कि जब तक अर्थ है तब तक तुम जिंदा रहोगे जिस दिन अर्थ गई उस दिन चिरंजीव भी जाएंगे ठीक है तो हॉकिंग रेडिएशन क्या है हॉकिन रेडिएशन जो है सो वर रेडिएशन विच वर डिस्कवर्ड बाय स्टीफन हॉकिस और उनका कहना था कि दिज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लैक होल अब जो है वो एक्चुअली हम लोगों ने क्वांटम फिजिक्स अभी तक सीखा नहीं है बट आगे अपना टाइम आएगा जब मैं आपको लोगों को थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स जो है वो डिटेल में सिखाऊंगा तो उस समय में आपको जो है थोड़े से यू नो you know, और डिटेल में ये चीज समझ में आएगी लेकिन अभी के लिए सिर्फ इस चीज को याद रखो हर एक चीज का ओके हर एक चीज का आपका पार्टिकल और एंटी पार्टिकल होता है मतलब कोई भी चीज ले लो जैसे इलेक्ट्रॉन जो है ना तो आप ये मत समझिए कि इलेक्ट्रॉन का कोई ऑपोजिट नहीं है इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट जो है उसको हम लोग जो है वो एंटी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या फिर कोई कोई जो है है उसको पॉजिट्रॉन भी बोलता है। ऐसे ही प्रोटॉन का भी तो ऐसा मत समझो कि प्रोटॉन का ही एंटी पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन है नहीं आपका प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन करके एक अलग पार्टिकल होता है तो ऐसे ही हर एक पार्टिकल का बेसिकली आपका क्या होता है कि हर एक पार्टिकल का पार्टिकल और उसका एक एंटी पार्टिकल जो वो आपको हमेशा मिलेगा तो ब्लैक होल के जो इवेंट हॉरिजोन वाली जो आपकी जो रेंज है ठीक है तो इवेंट हॉरिजोन के रेंज पे क्या होता है कि आपके पार्टिकल और एंटी पार्टिकल तो यूजअली ये हमेशा साथ में होते हैं और खत, मतलब मिलते हैं खत्म होते हैं मिलते हैं खत्म होते हैं तो एनिहिलेट होते रहते हैं एक दूसरे के साथ में तो पार्टिकल्स का क्या होता है कि पार्टिकल तो आपका जो है वो बाहर निकल जाता है जो, जो आप लोग ब्लू कलर से देख रहे हो ओके okay? और एंटी पार्टिकल जो है उसको अंदर ले लिया जाता है तो उसकी वजह से क्या लगता है कि नेट नेट अगर हम लोग देखें तो अपने को ऐसा लगता है कि आपके पार्टिकल्स जो है वो बाहर निकल रहे हैं तो इसी को स्टीफन हॉकिंग्स के का नाम दिया है कि इट इज नथिंग बट द हॉकिंग रेडिएशन तो हॉकिंग रेडिएशन इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन या ब्लैक होल बॉडी रेडिएशन दैट इज प्रेडिक्टेड टू बी रिलीज बाय द ब्लैक होल्स ड्यू टू द क्वांटम इफेक्ट नियर द इवेंट होरिजॉन it is named after the physicist stephen hawking who provided theoretical argument for its existence in 1974 hawking radiation reduces the mass of the energy mass and the energy of the black hole and it is therefore known as the you know uh, black hole evaporation also subco clear what is hawking radiations everyone chat box jara hawking radiations और ये हॉकिंग रेडिएशन जो है वो ये हॉकिंग रेडिएशन जो है वो स्टीफन ने बेसिकली डिराइव की थी ठीक है तो अंडर द क्लासिकल थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी वंस ब्लैक होल इज क्रिएटेड इट विल लास्ट फॉर एवर लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स यूज करके उन्होंने क्या किया हॉकि रेडिएशन जो है वो आपके बेसिकली स्टीफन हॉकिंग ने प्रूव किया किस इंस रेडिएशन कैन नॉट एस्केप द एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल पुल कैन नॉट डिटेक्ट दम डायरेक्टली करना पड़ेगा थोड़े जेट जो है, जो है उनको करके अपने को थोड़ा सा देखना पड़ता इनको. तो यही बात है आपके की. तो पे आपके के सारे details, पर आप लोगों के हॉकिंग रेडिएशन के सारे डिटेल हो गए हैं तो इनमें से कुछ भी अगर आपसे यूपीएससी पूछे तो आई होप यू विल क्वेश्चन अब अपने को एक वो है आप लोगों का क्वासार्स एंड लेकिन क्वासार्स एंड ब्ला को समझने के पहले अपने को थोड़ा सा एक चीज और समझनी होगी ये देखो ये एक्रिशन डिस्क है आपकी बराबर है है ये ये आपकी एक्रिशन डिस्क है और ये आपका ब्लैक होल का ब्लैक वाला पार्ट होगा लेकिन इधर से क्या होता है ना कि ऐसा नहीं कि ब्लैक होल के आजू बाजू से लाइट नहीं आती इनफैक्ट आपके आजू बाजू से इसकी लाइट जो है बहुत सारी आती है कैसे आती है कि ये वाला जो आपका पूरा पूरा आग जो लगा हुआ है ना तो इसके आजूबाजू माइग्रेशन डिस्क के आजू बाजू से फ्रिक्शन की वजह से ऐसे कुछ जो है वो जेट जो आपके निकलने लगते है ऐसे, तो इसको बोलते हैं। सबको ये चीज तो एक्चुअल में अपने को लगेगा कि ब्लैक होल जो है वो लाइट एमिट कर रहा है बट लाइट एमिट नहीं कर रहा होता है वो क्या होता है वो उसके आजूबाजू का रिलेटिविस्टिक जेट होता है सबको क्लियर एवरीवन गुड तो अब अपने को जो चीज सीखनी है वो अगली जो चीज है वो है क्वासार्स एंड ब्लाजार्स तो ये क्वासार्स एंड क्या होते हैं बेसिकली होता क्या है कि अगेन यहां से आपका जेट नहीं निकलता है तो ये समझो आपका ब्लैक होल है एकदम सेंटर में ये अपना साइड व्यू है और ये जो है ये अपना ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग टॉप व्यू है कि टॉप से हम लोग देख रहे हैं तो टॉप से अगर देखोगे तो यहाँ पे ब्लैक होल है ब्लैक होल के बाहर से आपके जो है से रिलेटिविस्टिक जेट जो है वो आपको बाहर निकलते हुए दिखेंगे तो ये आपका रिलेटिविस्टिक जेट जो है है वो ऐसे बाहर आ रहा ये ब्लैक होल है और ये है आपकी पूरी पूरी एक्रीशन डिस्क जिसमें आपके यू you नो know, सारे के सारे प्लान वगैरह जो जमा है और यहाँ पे आपका लाइट जो आपको दिख रहा है तो होता क्या था कि साइंटिस्ट जो है उन्होंने मतलब कभी कभी जो है एकदम बिकॉज ये आपका ब्लैक होल एकदम सेंटर में देखो ये वाली जो आप लोग जी जो देख रहे हो तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे ये आपका ब्लैक होल है और इधर से ये सब एक्रीशन डिस्क वगैरह जो है ये आपकी बनी हुई है आजू बाजू में सब और ये जो है ये आपके रिलेटिविस्टिक जेट जो है वो उससे बाहर निकल रहे हैं तो साइंटिस्ट जब इन चीजों को जब स्टडी करते थे जैसे आपके आंखों में एकदम सडनली आ रहा है बराबर है ना अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या बोलोगे कि ये तो बहुत ही ब्राइट चीज है कोई तो बराबर है बराबर है ना आप लोगों ने क्या देखा ये कि ये बहुत ही को, को, कोई तो जो चीज है वो बहुत ही ब्राइट चीज है और इसको साइंटिस्ट जो स्टडी करते थे पहले तो साइंटिस्ट को लगता था कि दीज आर द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इसका मतलब क्या होगा ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट जो है यही आपके एकदम ब्राइटेस्ट जो वो स्टार भी होंगे ओके तो इनका कहना था कि ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट जो है ब्राइटेस्ट स्टार भी होंगे लेकिन बाद में पता चला स्टडीज के बाद में कि एक्चुअली वो ब्राइटेस्ट स्टार नहीं थे Rather, वो क्या थे ये रिलेटिविस्टिक जो आपके जेट जो है उनको जब हम लोग ऐसे देखते थे तो इसलिए हम लोगों को ये ब्राइटेस्ट जो चीज बेसिकली दिखाई देती थी सबको ये वाली चीज क्लियर ठीक है तो इसलिए इनका नाम जो है बाद में क्या रखा गया इनका नाम जो है वो बाद में रखा गया क्वासार मतलब क्या क्वासी स्टार तो ये हो गया आपका क्वासार सबको क्लियर व्हाट इज क्वासार तो क्वासार मतलब ये पूरा आपका फिनोमिन जो जाके देखोगे तो वो है तो बात यह है कि टू में आइस क्यूब साउथ पोल है बाद में हम लोग देखेंगे लेकिन वो था आपका ब्लाजार और ये ब्लाजार और क्वासार जो आपके न्यूज में रहती हैं तो अब ये क्वासार क्या है तो क्वासार आज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स दे आर पावर्ड बाय दिल सुपर मासिव ब्लैक होल्स which lie at the center of the massive galaxies why are they so bright the black hole themselves do not emit visible or radio light however the light we see from quasar comes from the disk of the gas called as the accretion disk which surrounds the black hole intense heat light is emitted from the accretion disk okay caused by the friction produced from the material swirling around and eventually into the black hole the quasar are typically 100 times brighter

अब क्वासार हमने समझ लिया लेकिन ये ब्लाजार क्या है तो इनका सिर्फ एक ही फर्क है एंगल का कि अगर सामने से गन रखू तो गन को देखने के दो तरीके आप यहां से देख सकते हो आप सीधा गन के बैरल में से देख सकते हो तो जब बैरल में से इस क्वासार को आप लोग जब देखते हो तो उसको हम लोग ब्लाजार बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल ओके सीधी सी बात है आप लोगों ने सबने मेरे से पॉलिटी सीखा हुआ है तो पॉलिटी में मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आपका एवरी मोशन ओके एवरी इज अ मोशन ओके बट नॉट एवरी मोशन इज अ रेजोल्यूशन और फॉर दैट मैटर ओके हम लोगों ने यह भी देखा है कि जियो सिंकनस ऑर्बिट उसका एक स्पेशल जो आपका फिनोमिनन है वो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या है कि जीरो डिग्री का आपका टिल्ट होगा तो सिमिलरली आपका क्वासार जो है वो आपका बिगर सेट है और उसमें से जो है, वो आपका एक सबसेट है कि आप अगर उसको बराबर उसके बैरल ऑफ से अगर आप देखो तो वो आपको ब्लाजार दिखेगा सबको क्लियर वॉट इज क्वासार एंड वॉट इज ब्लाजार तो इस वाले फिनोमिन में okay? जब ये जब ये वीडियो स्टार्ट हो रही है तो वीडियो जब स्टार्ट हो रही है तो उस समय में आप इसको क्या बोलोगे इसको आप क्वासार बोलोगे लेकिन जैसे ही आप लोग एकदम एंड में ये वीडियो के एकदम एंड में जब देख रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे उसको हम लोग ब्लाजार बोलेंगे सबको क्वासार एंड के बीच में फर्क क्लियर ओके सो वेन द गैलेक्सी द अर्थ एंड वी आर स्टेयरिंग राइट डाउन द बैरल ऑफ द गन ओके एज इट वर सो इट्स कॉल्ड एज द ब्लाजार एंड इट्स द सेम थिंग एज दैट ऑफ क्वासार जस्ट पॉइंटेड एट द डिफरेंट एंगल एंड इज वट इज द ब्लाजार मीन तो यहां पर हम लोगों ने क्वासार ब्लाजार ब्लैक होल और सन का कैसे जो है वो लाइफ आपका आगे बढ़ता है वो सब हम लोगों ने कवर किया है आई होप सब लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी यस yes? ठीक है अब हमको थोड़ा सा एक डार्क मैटर डार्क एनर्जी और ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग वगैरह जो है वो अपने को थोड़ी सी सीखनी है बाय द वे हाँ और उसके बाद में अपना एक ही दो जो है वो टॉपिक बचेंगे वो होगा न्यूट्रॉन स्टार ठीक है न्यूट्रॉन स्टार के बाद में अपना आज खत्म हो जाएगा तो हम लोग ब्रेक नहीं लेते हैं आज और सीधा फट से मुद्दे पे ही हम लोग आते हैं और उसको खत्म कर देते हैं तो क्वासार ब्लाजार भी अपना खत्म हो गया अगला जो अपने को समझना है वो है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्योंकि ये भी चीज़ें आजकल

लेंस का काम सब सबको क्लियर ठीक है तो ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि कुछ आपके फिनोमिन की वजह से जैसे कि अगर बीच में ही आपका कोई बहुत ही बड़ा स्टार वगैरह कुछ आ जाए या और कोई जो है वो ऑब्जेक्ट अगर आ जाए तो जैसे कि ये रोटेट होते होते जा रहा है अब ये जब इस लोकेशन पे जब आता है तो वो क्या करता है कि किसी एक दूसरे ऑब्जेक्ट को बेसिकली वो क्या करता है कि उसको बेंड वगैरह करवा के जो यूजली हम लोग नहीं देख पाने वाले थे लेकिन उसको क्या करता है कि ये लेंस के तौर पे काम करके हमारे लिए बेसिकली ऐसे लेंस काम करेगा और लेंस के तौर पे काम करके हमारे लिए विजिबल इसको बना देता है तो उस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग सबको क्लियर व्हाट इज ग्रेविटेशनल लेंसिंग इस इमेज से आप लोग और अच्छे से देख पा रहे हो कि ये यहां पर कोई तो एक आपका सन या और कोई हैवी एकदम ऑब्जेक्ट होगा ओके okay? तो ये हैवी ऑब्जेक्ट क्या होता है कि एक्चुअल में अगर हम लोग इस वाले ऑब्जेक्ट को अगर देखने की कोशिश करें तो ये कभी आपको दिखेगा नहीं लेकिन बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम ऑफ द हायर या एकदम हाई या बड़े बड़े स्टार होंगे उसके वजह से क्या होता है कि लाइट जो है वहां से ऐसे बेंड हो जाती है और बेंड होने की वजह से ये आपका ऑलमोस्ट लेंस के तौर पर एक्ट करता है और लेंस के तौर पर एक्ट करने के बाद में ये जो ऑब्जेक्ट आपको जो कभी नहीं दिखने वाला था वो भी आप लोगों को दिखाई देता है उस फिनन को हम लोग ग्रेविटेशनल लेंसिंग बोलते हैं अब क्लियर ज्योति देखो मुझे पता था कि ये वाला कंसेप्ट जो है फट से आपको क्लियर नहीं होगा इसलिए ये लास्ट जी एफ भी आप लोग थोड़ी सी देखो इसमें आपको क्लियर होगा कि आप जो है जब ऑब्जर्व कर रहे तो आपको कैसा दिखेगा ये वाला फिनोमिना आपको देखना है यहाँ पे बीच में कोई चीजें आपकी आ चुकी है उसके वजह से जब आप लोग ऑब्जर्व करते हो तो आपको देखो ये ऐसे जो है वो दूर की चीजें भी आपको दिखने लगती है सो दिस इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल लेंसिंग सो कॉस्मिक ऑब्जेक्ट from single star to galaxy clusters bend the focus bend and focus the light that flows around them with their gravity acting like a giant magnifying glasses okay this effect is called as gravitational lensing gravitational lensing is caused by the massive body okay between the distant object and ourselves the light from object gets bent राउंड द मैसे ऑब्जेक्ट इन बिटवीन एंड दिस फिन प्रपोज बाई अलबर्ट आइनस्टाइन इन जनरल रिलेटिविटी थियरी ओके इट कैन क्रिएट ऑलसो तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि अब देखो ग्रेविटेशनलिंग पे नो no डाउट ये हम लोगों ने जो है वो देख लिया लेकिन इससे प्रॉब्जेक्ट क्या होती है अपने लिए अपने को तो लगता है कि दो ऑब्जेक्ट जो तुमको दिख रहे हैं बराबर है ना सो इट कैन क्रिएट अपियरेंस ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट वेयर देर इज ओनली वन ऑब्जेक्ट तो आप लोग जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसे दो ऑब्जेक्ट जो देखने को मिलेंगे तो ये सिर्फ एक बड़ी अपने लिए प्रॉब्लम होती है बट उसको हम लोग एलिमिनेट करके सीख ही सकते कि भाई एक ही चीज है करके ओके तो ये है आपका ग्रेविटेशनल लेंसिंग एवरीबडी क्लियर इज ग्रेविटेशनल लेंसिंग ठीक है अब ग्रेविटेशनल लेंसिंग समझने के बाद में आप लोगों को एक और जो चीज समझनी है वो है हमारा डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी तो ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है तो एक्चुअल में अब तक जितना भी हम लोगों ने यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया हुआ है ना हार्डली फाइव परसेंट हम लोग ऑब्जर्व कर पाए हैं मतलब क्या मतलब जो भी हम लोग देख रहे हैं आज तक जितने गैलेक्सीज देखे हैं जितने फोटोज हम लोगों ने इधर से उधर से जो भी लिया हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल मैटर और ये नॉर्मल मैटर जो है ये हार्डली पाँच परसेंट जो यूनिवर्स का बना हुआ है ओके okay, तो बाकी कौन सा मैटर है तो कुछ मैटर जो है वो है आपका डार्क मैटर और डार्क मैटर क्या होता है जैसे क्या आप लोग हवा को देख पा रहे हो अभी कैन यू सी हवा आंसर इज क्लियरली नो तो वैसे ही ये डार्क मैटर जो है वो एक्चुअली किसी भी लाइट के साथ में इंटरैक्ट नहीं करता है ठीक है लेकिन इसका प्रेजेंस जरूर है ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो है तो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल लेंसिंग का भी प्रेजेंस जो है या दूर के जो ऑब्जेक्ट देख पाते हैं हम लोग वो आपके एक्चुअली ब्लैक मैटर के या डार्क मैटर जो है उसके वजह से ही देख पाते हैं तो एक्चुअली ये लाइट के साथ में एक ऐसा मैटर जो लाइट के साथ में इंटरक्ट नहीं करता इसलिए हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डार्क मैटर और डार्क मैटर जो है लगभग यूनिवर्स का छब्बीस बना हुआ है ऐसा मानते हैं साइंटिस्ट तो डार्क मैटर इज हाइपोथेटिकल अभी तो हाइपोथेटिकल ही है फॉर्म ऑफ द मैटर क्ट विदरियॉनिक मैटर बैरियॉनिक मैटर मतलब जो भी प्रोटोन न्यूट्रॉन लाइट ये सब है तो इट्स कम्प्लीटली इनविजिबल टू लाइट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो सिर्फ लाइट ही नहीं ठीक है आपका बाकी के एक्सरेज हो किसी भी रेडिएशन हो उनके साथ में इंटरैक्ट ही नहीं करता हैकिंग डार्क मैटर इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट विद इन द विद करंट सिस्टम

कि जो बैरियॉनिक एज वेल एज लाइट के साथ में या किसी भी रेडिएशन के साथ में इंटरेक्ट नहीं करे वो डार्क मैटर है ओके okay? और दूसरी जो चीज है वो है आपकी डार्क एनर्जी ओके तो पहले लोगों को लगता था कि बस कुछ नहीं है मतलब हम लोग है ही हैं या नॉर्मल चीजें ही हैं सब कुछ लेकिन बाद में साइंटिस्ट लोगों ने एक और चीज जो ऑब्जर्व की हुई है उनका कहना है कि एक्चुअल में यूनिवर्स आपका एक्सपांड हो रहा है बराबर है आप सबने सुना है यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है

तो जिसके वजह से ये आपका यूनिवर्स का एक्सपांशन जो वो एक्सेलरेट हो रहा है उसको हम लोग डार्क एनर्जी बोलते हैं और अभी तक ये विजिबल नहीं है अपने को ठीक है क्योंकि अगेन इसको आप लोग डायरेक्टली नहीं ढूंढ पाए हैं वी शुडंट कंफ्यूज डार्क मैटर विद डार्क एनर्जी डार्क मैटर इज अ फॉर्म ऑफ अ मैटर ओके एज डार्क मैटर एग्जिस्टेंस एक्सप्लेन द ग्रेविटेशनल इफेक्ट और डार्क एनर्जी जो है वो आपकी फील्ड है और ये सिर्फ स्पेस को फिल करती है इसको ऑब्जर्व अभी तक तो हम लोग नहीं कर पाए हैं तो दैट वॉज अबाउट डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी अब ये डार्क मैटर वगैरह न्यूज में क्यों है बिकॉज कुछ जो है वो एन इंटरनेशनल रिसर्च टीम जो है हैज रूल्ड आउट पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लैक होल्स ओके माइट बी द प्राइमरी सोर्स ऑफ द डार्क मैटर इनका बोलना है कि प्राइमॉरियल प्राइमॉरियल मतलब क्या होता है कि एकदम जब आपका बिग बैंग जब हुआ होगा सबसे पहले जब यूनिवर्स का एक्सपांशन जब हुआ होगा तो उस समय में आप लोगों का बेसिकली कुछ ब्लैक होल जो बने होंगे उसको हम प्राइमरी प्राइमोरियल ब्लैक होल बोलते हैं तो साइंटिस्ट वाले बोल रहे थे कि भाई वो रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके डार्क मैटर के लिए लेकिन बाद में अभी बोला है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है इनके लिए ऐसा कोई रिलेशन नहीं है ठीक है तो डार्क मैटर दो नेवर डिटेक्टेड इट इज बिलीव की इट इज प्रेजेंट इन एंटायर यूनिवर्स ओके इट इज बिलीव की नाइनटी ऑफ ऑल यूनिवर्स एक्चुअल में इन्होंने ये सिक्सटी नाइन और ट्वेंटी दोनों को भी गिन के इन लोग जो है वो डार्क मैटर बोल रहे हैं तो ये डार्क मैटर का प्रेजेंस जो है यूनिवर्स में है और इन लोग जो है वो आपके ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर वगैरह जो है इन सब एक्सपेरिमेंट से यूनिवर्स में इनका प्रेजेंस जो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मिल कहीं पर भी आपको नहीं रहा है अभी तक सो दैट वॉज अबाउट डार्क मैटर डार्क एनर्जी ऑल्सो क्वासार ब्लाजार और ये सब चीजें ये वाला क्वेश्चन सब लोग अटेम्प्ट कीजिए जरा ये मैंने जस्ट आपको सिखाया था तो आप लोग अटेम्प्ट करके बताओ जरा ये क्या चीज है जब मैं गो बोलू तभी आप लोग चैट बॉक्स में आंसर लिखिएगा ऑलरेडी लिख दिया ज्योति ने एनी वेज गो ठीक है सब लोग डी ही लगा रहे हैं प्रोटोस्टार मेन सीक्वेंस रेड जाइंट और व्हाइट ड्वाफ। तो ऐसे आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग उसका आंसर दे सकते हो अब अपना स्पेस साइंस रिलेटेड जो लास्ट टॉपिक अपने को जो सीखना है वो है न्यूट्रॉन स्टार्स और उसमें भी पल्सार एंड मैग्नेटार्स तो मैंने आपको सिखाया था देखो कि क्या हो जाएगा सडनली इतना कंडेंस वगैरह हो जाएगी, इतनी हीट वहां पे जमा हो जाएगी कि आपका वहां पे सुपरनोवा होगा और न्यूट्रॉन स्टार हो रहा है मतलब आपका एटलीस्ट टेन टू ट्वेंटी टाइम्स जो है वो आपके सोलर मतलब आपके सन के सोलर मास के टेन टू ट्वेंटी टाइम्स होगा वो और वहां पे आपका इतना जो है ये कंप्रेस हो जाता है कि मैं आपको बता दूं कि इवन इलेक्ट्रॉन जो है तो वो आपके आके न्यूक्लियस में मिल जाते हैं ओके okay? तो अगर इलेक्ट्रॉन भी अगर आपके न्यूक्लियस से आके मिल जाएंगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बन जाएगा न्यूट्रॉन मिल जाएगा बराबर है एवरीबडी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके क्या बन जाएंगे